वो देखो शत्रु के कोई दूत आ रहे हैं। लगता है रावण का कोई विशेष दूत है। चलो इसकी सूचना चलकर महाराज सुग्रीव को देते हैं। चलो श्री राम प्रभु की आज्ञा है, छावनी में चारों तरफ हर समय का पहरा रहना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो महाराज, आकाश मार्ग द्वारा लंका की ओर से कुछ लोग हमारे शिविर की ओर आ रहे हैं। लंका की ओर से? जी हाँ महाराज। कौन हो सकता है, किस हेतु आया होगा? प्रभु श्री राम का कहना उचित ही है, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। आओ चले। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले कौन हो तुम? कहां से आए हो और किस विचार से आए हो? सावधान, तब सच सच बताओ। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। आप प्रभु श्री राम से जाकर निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। ठीक, हम आपका संदेश प्रभु श्री राम तक पहुँचा देते हैं, तब तक आप हमारी छावनी में आने की चेष्टा ना करें। इन पांचों का विशेष ध्यान रखा जाए, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर आता हूँ। कृपा निधान श्री राम की जय। मित्र सुग्रीव, सब कुशल तो है? आओ मित्र बैठो। रघुनाथ जी, लंका से राजा रावण का छोटा भाई विभीषण आया है, वो आपकी शरण में आने की आज्ञा चाहता है। प्रभु, विभीषण भी आपका परम भक्त है। भैया, जो संकट के समय अपने सहोदर भाई का साथ छोड़ दे, तनिक उस पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारे और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। हे मित्र, आपका क्या विचार है? हे नाथ, राक्षसों की माया को जान पाना अत्यंत कठिन, छल और कपट उनका स्वभाव है। संभव है इच्छा अनुसार रूप बदलकर हमारा भेद लेने आए हो। मेरे विचार से उन्हें यही बात कर रख लेना चाहिए। हे मित्र, तुम्हारा संदेह पूर्णतः उचित है। शत्रु के भाई पर अनायास ही विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु हे वानरराज, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा प्रण है। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है, यदि स्वयं रावण भी मेरी शरण में आता तो मैं उसे भी क्षमा करके अपनी शरण में ले लेता। हे मित्र, जो अपने अहित का अनुमान करके अपने शरण में आए व्यक्ति का त्याग कर देता है, उससे बड़ा पापी कोई और नहीं होता। हे वानरराज, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, यदि वो भी मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी क्षमा कर देता हूं, क्योंकि जीव जैसे ही मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पापी है वो स्वभाव से ही मेरा विरोधी है, उसे मेरा भजन और ध्यान अच्छा नहीं लगता। पर विभीषण तो लंका में रहकर भी मेरा ध्यान करता है। उनके हृदय में यदि कोई छल कपट या दुष्टता होती तो वो मेरे पास नहीं आते। मेरे पास वही आ पाते हैं जो मन से निर्मल होते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट नहीं सुहाते। हे रघुनंदन, मेरे लिए क्या आज्ञा? मैं विभीषण से क्या कहूं? हे तात, यदि विभीषण सचमुच रावण का त्याग कर मेरी शरण में आया है तो मैं अपने प्राणों की तरह उसे अपने पास रखूंगा, और यदि दसग्रीव ने उन्हें हमारा भेद लेने के लिए भेजा है तो भी कोई बात नहीं। अगर मेरा भेद लेने के लिए कोई आगे बढ़े तथा मेरा भेद पाले, वो कैसे दुष्ट हृदय रह सकता है? फिर भी हे मित्र सुनो, सारे संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण एक क्षण भर में उन सब का वध कर सकता है,
अतः हे वानरराज, दोनों ही स्थितियों में विभीषण से मिलने में कोई आपत्ति नहीं, अतः सादर उन्हें मेरे पास ले आए। जो आप जा करना निधान श्री राम। विभीषण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? प्रभु श्री राम के चरणों से दूर रहकर एक जीव जैसा हो सकता है वैसा ही हूं हनुमंत। प्रभु के दर्शनों की लालसा से यहां आया हूं। आपको प्रभु के पास ले जाने के लिए किष्किंधा के युवराज अंगद स्वयं आए हैं। हे राक्षस कुलमणि विभीषण जी, मैं बाली पुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम युवराज। आइए आइए पधारे। हे दुखियों के दुख हरने वाले, हे शरणागत वत्सल श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। मित्र, आप शत्रु का साथ त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं, सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसका पात्र नहीं हूँ प्रभु। मित्र, अपना कुशल बताइए। आपके परिवार में सब कुशल से है ना लंकेश? लंकेश? प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है। आपने एक शरणार्थी को यह संज्ञा कैसे दे दी? और जहां तक मेरी कुशलता का प्रश्न है, तो आपके दर्शन के पश्चात मुझसे अधिक कुशल इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। ये आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो आपने मुझे अपना सेवक समझकर अपने चरणों में स्थान दिया। नहीं मित्र, ये तो तुम्हारी विनम्रता है और यही तुम्हारी महानता भी है। रावण तो अब केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म उसकी सभी शक्तियों को क्षीण कर उसे मृत्यु के समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन तुम्हें ही संभालना होगा, और वैसे भी आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक किसके मन में होगा? प्रभु, सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका निवासियों की ओर से आपसे दया की भीख मांगू, जिससे एक पापी के पाप का दंड सारी प्रजा को न भुगतना पड़े। मित्र, हम आपकी प्रजा वत्सलता की सराहना करते हैं, और मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी भी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा। हम केवल उसी का संहार करेंगे जो हमारे सम्मुख युद्ध की इच्छा से आएगा। मैं लंका निवासियों की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने सेवक के साथ साथ उन सबको भी अभयदान दे दिया जो निर्दोष हैं। प्रभु, आपसे बड़ा दानी और कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा सदैव बनाए रखिएगा। मित्र, हनुमान ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप अत्यंत नीतिवान, प्रजावत्सल और अनीति अधर्म के विरोधी हैं, परंतु संयोगवश आपको लंका जैसी अधर्म की नगरी में दुष्टों की मंडली के बीच जीवन यापन करना पड़ता है। ये अत्यंत कष्टदायक है।
विधाता किसी को नरक भी दे दे परंतु दुष्टों की संगति न दे। हे लंकेश, जो मनुष्य समस्त चराचर का द्रोही हो, वो भी यदि मद मोह छल कपट त्याग कर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे साधु बनाकर अपना लेता हूं। जो मनुष्य समस्त सांसारिक संबंधों में मुझे ही देखता है, जो समदर्शी है, जो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर चुका है, जो हर्ष शोक और भय से परे है, ऐसा मनुष्य मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन। मित्र, मुझे तुम्हारे जैसे संत पुरुष अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए ही मैं मानव अवतार ग्रहण करता हूं। जो सगुण भगवान के उपासक परोपकारी नीति और नियमों में दृढ़ और जिन्हें प्रभु के चरणों से प्रेम है, ऐसे प्राणी मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। हे लंकेश, तुम्हारे अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। कृपा निधान श्री राम की जय। कृपा निधान श्री राम की जय। कृपा निधान श्री राम की जय। हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। अवश्य ऐसा ही होगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। लक्ष्मण, सागर में समस्त तीर्थ स्थलों के जल का समावेश होता है, इसीलिए सागर से जल ले आओ। मैं अपनी सेना के सामने इसी पवित्र जल से लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा। जी भैया। मित्र, तुम हमारी शरण में आए हो और हमने तुम्हें लंकेश कहा है। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया था और इसके बदले हम तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे। मित्र, हम जानते हैं कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। हम तुम्हें अभी लंका का नरेश घोषित करते हैं। कृपा निधान श्री राम की जय। कृपा निधान श्री राम की जय। कृपा निधान श्री राम की जय। लंकापति विभीषण की जय। लंकापति विभीषण की जय। करुणा निधान श्री राम 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 की जय।